खान से देखो पकड़ लिया है। अरे अरे नीचे गिरा हुआ देखो, देखो भाई कितना सारा आम मिला है हमको, झोपड़ी में भी है भाई, आम ही आ हुआ है। कटहल देखो एक टूट गया, कटहल पकड़ो तो बाबू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 11 तारीख और सुबह के अभी बज चुके हैं 7। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5:30 बजे ही जो है उजाला हो जाता है और 5:30 से 6 बजे के बीच में सूर्य भगवान उग जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाता हूँ कि भाई 7 बजे देख सकते हैं यार, देखो कितना तेज धूप है एकदम, और यहाँ पे तेज धूप है ही, प्लस में गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और गर्मी बहुत ज्यादा है, रात को भी क्या है नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी है। पंखा तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा और इस वजह से भाई बहुत ज्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो दोस्तों मैं भी सुबह सुबह उठा हूँ और नहा धो लिया हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि पानी में ही डूबा रहा हूँ एकदम। और खाना उधर बन रहा है, तो दोस्तों दिखाता हूँ मैं एक बार आपको बाहर का माहौल की कैसा। हाँ तो दोस्तों अभी मैं अपने घर के इधर आ गया हूँ साइड में थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं भाई देखो अमरूद तोड़ रहे हैं एकदम, गांव का देसी अमरूद है, देखो अमरूद का पेड़ है ये, और अमरूद अभी इस पे उगा है, थोड़ा छोटा छोटा है मगर फिर भी मीठा लगता है खाने में, अभी पका नहीं है देखो, कच्चा ही है मगर फिर भी बढ़िया अमरूद है एकदम, बहुत मस्त है, मीठा एकदम मस्त है। तो भाई इधर आम का भी पेड़ है और वो रहा है एक अमरूद का पेड़, और वहाँ पे भी देखो उसमें भी एक बढ़िया सा फरा हुआ है, और इधर देखो वो, देखो वो है कटहल का पेड़, वो देख सकते हैं वो भी, वहाँ पे भी एक कटहल का पेड़ है, और इसके ऊपर देखो कच्चे आम बहुत है, छोटा छोटा कटहल है, इस बाग में ये देखो कटहल का पेड़ है, ऐसा होता है कटहल का पेड़, अभी देख सकते हैं आप ये आम है, इसके ऊपर छोटे छोटे आम भी है, कच्चा केरी जिसको बोला जाता है, चॉकलेट आम बोला जाता है, इसको बोला जाता है चॉकलेट आम। तो भाई अभी सुबह सुबह इधर मस्त अमरूद खा रहे हैं और कच्चा आम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं खा के कैसा लग रहा है। आपको दिखाता हूँ गांव का एकदम देसी संतरा जो कि बहुत बड़ा बड़ा एकदम साइज है, अभी हरा हरा है, अभी पका नहीं है, देख सकते हैं भाई क्या एकदम गजब का एकदम, अभी मान लो 20-25 दिन के अंदर इसको खाया जाएगा एकदम पूरा, ये उसी का पेड़ है बड़ा बड़ा है एकदम, मौसमी है जो जिसको बोला जाता है, हरा हरा है एकदम। तो दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ का पेड़ मिलेगा आपको हमारे इधर बिहार में, और ये अब देख रहे हैं ये अभी खेत में बोया हुआ है, ये है बैंगन का खेत जो कि भंटा बोया हुआ है, ये छोटे छोटे हैं अभी पौधे, कल परसों ही बोया गया था और अभी ये बड़े होंगे और 1 महीने बाद फिर इसके अंदर से बैंगन निकलेगा और फिर इसका सब्जी बनेगा, इसको मार्केट में बेच। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी सुबह सुबह आया हूँ खेत में, और यहाँ पे हम लोग लौकी और ये देख सकते हैं ये फली बोला जाता है, इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे हम 4-5 जने आए हैं तोड़ने के लिए, ये देखो इसने भी तोड़ लिया है। तो भाई और एक देख सकते हैं उधर जाके तोड़ रहा है एकदम, और हम लोग इतना सारा तोड़ लिए हैं, देख सकते हैं ये पूरा बोरी भर, आधा यानी कि भरने वाला है, ये देखो तोड़ रहा है एकदम, मेहनत फुल है देखो। तो कैसा लग रहा है तोड़ के बाबू? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा दे रहा है, मज़ा दे रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है, थोड़ा सा धूप है कम है थोड़ा, इधर पहले कल के जैसा इधर धूप नहीं है मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा है एकदम, और देख सकते हैं आप उधर उधर उन सब खेतों में भी बाकी जने तोड़ रहे हैं, वो बेचने के लिए तोड़ रहे हैं, हम लोग अभी शादी में लेके जाएंगे और ये सब्जी शादी में बनेगा तो तोड़ने आए थे, बस अब हमारा पूरा हो चुका है, अब हम निकलेंगे अब थोड़ी देर में यहाँ से, वहाँ तक ऐसे तोड़ लिए थे हम लोग। और मौसम देख सकते हैं भाई मस्त मौसम है एकदम। फ्रेंड्स अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग अभी आए हैं हमारे मठिया पे जहाँ पे हमारा बागान ये सब है छोटा मोटा, तो आप देख सकते हैं भाई ये देखो भाई आम का पेड़ है जो ये अभी इस पे जिस पे हम लोग आम तोड़े थे, ये देखो सूख गया है, पता नहीं क्या हुआ, बारिश में पता चलेगा क्या हुआ। तो देख सकते हैं आप वो सब देख रहे हैं, वो सब अभी आम तोड़ रहे हैं, तो पका हुआ आम है उस पेड़ पर, और देखो एक बंदा क्या ऊपर चढ़ा हुआ भी अभी, देखो भाई हिला रहा है, नीचे आएगा यानी कि आम गिरेगा पका हुआ, तो दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं पक्का वो आम सुबह सुबह तोड़ रहा, देखो एक गिर गया इधर, और सब आम खा रहे हैं और एक बंदा है जो ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कैसा लग रहा है आम, इसका टेस्ट कैसा है? छोटा आम है मगर इसके अंदर क्या है, एक नंबर की है, बढ़िया एकदम, देखो एक इसको दिया था ये भी खा रहा है, और देखो उधर
गोल्डन है, ये भी खा रहा है देखो। सबको मिल गया है, मेरे को नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं भी अब उनके लिए तोड़ लेता हूँ आम, और वो देखो चढ़ के और अब नीचे उतर रहा है। बहुत ऊपर है आम का, जो आम है जो बहुत ऊपर है, नीचे का सब तोड़ लिया गया। उधर दो चार दिख रहा है बस, ज़्यादा नहीं है। हाँ तो भाई देखो, ये मेरे को भी एकदम पका हुआ आम मिल गया भाई, एकदम मीठा एकदम पका हुआ भाई। इसका साइज थोड़ा सा छोटा है मगर एकदम बढ़िया आम, एकदम पका हुआ आम है। देख सकते हैं भाई ये पेड़ पर से भी तोड़ा जा रहा है, इसी पेड़ पर से मैं तोड़ा था आम। और देख सकते हैं आप, बच्चे भी खूब खा रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पे एकदम आम का। हाँ भाई देखो, एक को इसको मिला, ये देखो इसका एकदम लाल, एकदम जो आम का जो है पीला पीला, एकदम बढ़िया आम है। और वो देखो आम तोड़ा जा रहा है अभी। और बाकी सुबह सुबह हम लोग आए थे तो यहाँ पे मिला था हमको, नीचे गिरा हुआ भी मिला था भाई। देख सकते हैं दोस्तों, हमको आम मिला अभी अभी गिराया है नीचे, एकदम पीला है। देखो देखो एकदम पीला आम। ये देखो यहाँ पे भी एक आम है, इसको तोड़ा जा रहा है अभी, इसको तोड़ा जाएगा। गिर ले, ये नीचे गिर गया। देखो मैं भी अब आम खा के चेक कर लेता हूँ। जो मेरे पीछे जो आप देख रहे थे उसी पर, उसी का जो आम है, ये एकदम पेड़ का आम भाई, एकदम मीठा आम है एकदम। देखो ये देखो, वो गए वहाँ पे, और वहाँ पे क्या डीजल चल रहा है तो पानी से हाथ मुँह भी धो के आ गया खा के। तो दोस्तों सुबह सुबह मैंने आम चखा भाई, एकदम बढ़िया आम है। ये देखो एक खा लिया, ये दूसरा आम मिला इसको, और ये भी खाएगा अभी। हम लोग ऐसे सुबह सुबह टहलने आ गए थे, तो टहलते टहलते फिर इधर आ गए आम के पेड़ के पास, तो आम का पकने का टाइम आ गया तो आम भी खाने लग गया। देखो कैसे तोड़ा जा रहा है, आम बहुत ऊपर है दोस्तों, इसलिए क्या है अभी तोड़ नहीं पा रहे हैं सही से। देखो एक और आम गिरा। तो सब ने आम खा लिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं घर पे, सब ने आम खा लिया है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे डीजल चल रहा है, जो कि इसका पानी जो उधर जा रहा है खेत में, सुबह सुबह यहाँ पे चलता है। और मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हम उधर थे और इधर से मैं आया हूँ, पी लेता हूँ पानी वानी। हाँ तो दोस्तों डीजल का पानी है जो मैंने पी लिया है, एकदम बढ़िया पानी है। देख सकते हैं भाई इधर से जा रहा है अभी होके, और उधर जा रहा है खेत में। और इधर आप देख सकते हैं, इधर भी आम का पेड़ है, इस पर भी हम लोग खाए थे एक दिन आके आम। और अभी इसके अंदर पानी जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये सामने का जो खेत है, इसके अंदर पानी जा रहा है अभी, इसके अंदर बिहन होगा इस वजह से। तो भाई आप देख सकते हैं भाई, देखो जो फेदा जो हम लोग खाए थे उसका गाड़ी बना के चला रहा है ये, देखो। हाँ भाई उधर है, इधर आ जा, उधर गए हुए वो लोग, तो चलते हैं। हाँ उनके पास चलते हैं। देखो भाई इधर थोड़ा सा जंगल है मगर बढ़िया है एकदम। और वो देख सकते हैं उधर मकान है, उधर पास में मार्केट, इधर मार्केट है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे भी आम तोड़ा जा रहा है, और इस पर भी पका हुआ आम है, और इस पर भी बहुत सारा आम है भाई, अभी तोड़ते हैं। इस पर भी पका हुआ आम है, एकदम मीठा आम है। और ये लोग इकट्ठा है यहाँ पे तोड़ने के लिए। भाई 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 देखो आम गिरा हुआ है, एकदम पका हुआ, एकदम पका हुआ आम। देखो रोशन ने ले लिया है और खाएगा अभी आम। सुबह सुबह हमने आम खा लिया है बहुत सारा एकदम, इसके पका हुआ आम है, तो इसके भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं आम। देखो ये बच्चे खा रहे हैं और तोड़ रहे हैं इधर। हाँ तो भाई देख सकते हैं आप, इस पेड़ का है जो आम, ये भी हमने, ये भी चेक कर लेते हैं खा के। हाँ भाई इसको दो दो मिल गया है, और ये एक पका हुआ खा रहा है, और ये है ये भी पका हुआ है, और ये भी पका हुआ है। और दोस्तों ये आम भी हम चेक कर लेते हैं खा के, ये इस पेड़ का आम है, उस पेड़ का नहीं है, ये दूसरा पेड़ है इधर, इसके ऊपर हम लोग आए हैं। देख सकते हैं आप भाई, देखो ये भी आम खा रहा है यहाँ पे आके, खाओ चेक करो कैसा है, यहाँ पका हुआ है। तो भाई ये देखो इसका दूसरा तीसरा आम है, और मैं भी अब आम खा लेता हूँ।
भाई कच्चा निकल गया ये, कोई बात नहीं, बहुत फटा है मगर ले खा जा। गुलगुल खा पाता है, खा लेगा हम ले ले इसको, एक्सपीरियंस ज्यादा है हम खाने का। सुनो है तुम तो इस पे ज्यादा पका हुआ नहीं है, मुझको बहुत काम करने का मन करता था आज खा लिया। तो भाई इधर पेड़ का आम का पेड़ है जो बहुत ज्यादा है, और उधर देखो उधर भी है आम। इस तरीके से यहाँ पे तोड़ा जाता है एकदम भाटा मार के आम, देखो सब ने खा लिया है आम। और अब चलते हैं उधर, तोड़ लिया हूँ। तो भाई इधर भी हम इधर गए थे, इधर भी हमने आम चेक कर लिया खा के, इधर भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ख़राब नहीं था। तो दोस्तों इधर देखो ये सब जंगल साफ़ किया गया है, आग जला के ये सब थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो इधर देख सकते हैं आप, इधर अभी ट्रैक्टर चलाया जा रहा है इस खेत के अंदर, कुछ बोने की कुछ बोएंगे शायद इसके अंदर। भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चावल के लिए जो बीहन बोला जाता है वो होगा, तो इसके अंदर कदई किया जा रहा है ट्रैक्टर से वो भी, और ट्रैक्टर इसके अंदर चलाया जाता है। इसके अंदर पानी क्या है, दो दिन से भरा जा रहा था, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, जो वहाँ पे जो डीजल चल रहा था उसका पानी, जो सारा पानी यहीं पे आ रहा है और अभी भी इधर ही आ रहा है पानी। तो देख सकते हैं आप डीजल द्वारा है जो पानी आ रहा है इधर, और यहाँ पे बीहन होगा इसके अंदर, तो वो देख सकते हैं, वो भी मेरे भैया ही लगेंगे अभी, वो भी भैया ही लगेंगे। और यहाँ पे ट्रैक्टर द्वारा क्या है पूरा इसके अंदर, जैसे कि दही के जैसे इसके अंदर पूरा जैसे वो होता है वो होगा ट्रैक्टर से, इसके अंदर एकदम मट्टी को एकदम पीस पीस के बुरादा बना दिया जाएगा, और पानी इसके अंदर क्या है भरा हुआ है। देखो भाई कैसे होता है गांव में खेती हमारे इधर, अब 10 दिन के अंदर इधर पानी बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इधर देख रहे हैं चारों तरफ पानी भर जाएगा, और इसके अंदर बीहन होगा तो इसी को उखाड़ के और उसके अंदर बोया जाएगा, और जिससे कि फसल होता है। देखो ये लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर को किस तरीके से बीहन के लिए जुताई किया जा रहा है इसके अंदर, और इधर ये लोग भी देख रहे हैं। तो भाई ये भी आम का ही पेड़ है यहाँ पे, और इधर हमारे इधर का आम का पेड़ बहुत ज़्यादा है, और इधर देखो थोड़ा सा खाली हो गया है, और ये देख सकते हैं ये केले का पेड़ है ये दोनों, और ये भी आम का पेड़ है, और वो देखो वो देख रहे हैं आप, वो है ताड़ का पेड़। हाँ तो भाई हमारे एरिया का है जो सबसे महंगा पेड़ है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप, इसका पेड़ है जो बहुत ही महंगा बिकता है, और सबसे महंगा हमारे इधर इसी का पेड़ है, और इसका पत्ता देखो कैसे बड़ा बड़ा होता है एकदम। ये जो सामने पेड़ देख रहे हैं ये एक पेड़ होगा कम से कम 20 से 30 हज़ार का, पतला ही पेड़ है मगर फिर भी महंगा पेड़ है ये, हमारे इधर ये महंगा थोड़ा बिकता है। और ये देख सकते हैं इसके अंदर भी पानी डाला गया था इस खेत के अंदर भी, अभी इधर क्या है बारिश स्टार्ट नहीं हुआ है, 5 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर चारों तरफ से खेत क्या है भर जाएगा एकदम। और ये देखो जिस खेत में अभी ट्रैक्टर जो घूम रहा था, ये देखो यहीं से पानी जा रहा है, ये देखो वो पानी पी रहा है वहाँ पे, देखो यहीं से पानी जा रहा है अभी, और यही पानी जा रहा है वहाँ पे, एकदम मीठा पानी है, साफ पानी है, अभी यहाँ पे नहाते भी है बच्चे, हम एक दिन नहाए भी थे। और ये देख सकते हैं आप ये दोनों है जो पपीते का पेड़ है, इसके ऊपर पपीता ख़त्म हो गया, उसके ऊपर 2-3 बचा हुआ है बस छोटे वाले के ऊपर। और ये देखो ये केले का पेड़ है, देखो केले का पत्ता इतना बड़ा बड़ा होता है एकदम मस्त, इसके अंदर भी केला आता है। भाई आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं बैठ के एकदम, और ये अशोक का पेड़ है, और ये देख सकते हैं ये चारों तरफ क्या है ताड़ का पेड़ है एकदम। भाई इधर ताड़ का पेड़ भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग अभी यहीं पर आराम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं वो सामने वो बोरिंग वहाँ पर चल रहा है। हाँ तो भाई क्या यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे तेज़ से चल रहा है एकदम। भाई ये देखो पेड़ पौधे कैसे एकदम, हवा बहुत तेज है इधर, और अब क्या है भाई जैसे क्या है हम अब घर पे जाएंगे। और ये देखो अब ये लोग आराम कर रहे हैं अभी यहाँ पे बैठ के, एक और मिल गया एकदम आम, अभी अभी गिरा हुआ था, अभी हम लोग उधर गए इतने देर में 3-4 आम गिरा हुआ था इस पेड़ पे, जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप यही पेड़ है, देख सकते हैं भाई देखो कैसा मस्त आम है एकदम। नमस्ते, तो अब खा लेते हैं, खा रहे भाई मीठा भाई।
दिखा मैं एकदम। तो भाई देख सकते हैं आप मेरे हाथ में आम देख रहे हैं, ये देखो इस पेड़ का आम है, इसके ऊपर से गिरा हुआ है। तो भाई देखो इतना सारा आम मैंने यहाँ पे अभी मिला मेरे को गिरा हुआ एकदम। तो उधर देख सकते हैं आप, उधर दिखाता हूँ मैं आपको भाई, इधर भी इन सबको भी आम मिला इधर पेड़ के नीचे गिरा हुआ। ये देखो देखो भाई कितना सारा आम मिला है, इधर देखो हाथ में भी है भाई आम ही आम, एकदम पका हुआ आम है, एकदम पेड़ का गिरा हुआ आम है। ये है आम का पेड़ क्या है, उधर वाले उस पे तो हम खा के आ ही गए, इधर भी था, इस वाले पे भी आम मिला है। तो भाई इतना सारा आम एकदम बढ़िया आम। तो चलते हैं अब घर पे, बहुत हो गया और थोड़ा सा धूप तेज हो गया है, तो घर चलते हैं अब। चले घर, हाँ तो और क्या, धूप हो गया है अब तो, लहर चलने लगा है। तो भाई साहब देख सकते हैं आप लोग, तो अब आम का मजा लेंगे अब घर पे जाके, तो खाना तो खाएंगे। थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा गया है थोड़ा। ठीक है भाई, उधर था उधर खा के आते हम। तो अब चलते हैं हम लोग घर पे। तो एक और गिरा है, जाओ बाबू लेके आओ, एक और गिरा भी अभी, जाओ लेके आओ। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो अब, हम लोग बहुत ले लिए, अब नहीं लेंगे आप, चलते हैं अब घर पे भाई, एक और गिरा। हाँ तो दोस्तों हम लोग अभी गए थे जो खेत में, और उधर क्या है आम हम खा के इधर आ गए हैं सुबह सुबह। तो दोस्तों अब दोपहर होने वाला है और लू बहुत ज़्यादा चल रहा है इधर बिहार में, और सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों हमने अभी खाना वाना खा लिया है और हम लोग सोएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक भैया हैं जो सोए हुए हैं, और हम लोग यहीं पर अब सोएंगे, और बस आज लास्ट है, फिर कल कहीं जाना है हमको। तो दोस्तों शादी में तो हमने एंजॉय कर लिया, और अब शादी ख़त्म हो गया है, आज का लास्ट दिन है, आज थोड़ा सा पार्टी वार्टी देगा वो। तो यूँ ही मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टी क्या दिया है। आप देख सकते हैं इतना सारा नाश्ता लेके बैठा हुआ ये बाबू भाई, जितना तो ये खुद नहीं है जितना बड़ा, उतना बड़ा तो ये देखो नाश्ता ही लेके बैठा हुआ है भाई, देख रहे हैं भाई, दो गो छेना और दो गो, और देख रहे हैं आप मोबाइल भी, यहाँ पे आने की मोबाइल देखेगा फिर ही खाएगा, उसके बाद फिर ये खाता ही नहीं है। देखो देखो क्या बोलता है, क्या बाबू देखो क्या बोल रहा है, गुस्सा हो गया गुस्सा हो गया गुस्सा हो गया। देखो एक बार और इसको गुस्सा दिलाया जाता है, देखते हैं क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है ये। नाश्ता करो पहले, नाश्ता दिया गया है ना, ए इसको बंद करो, पहले नाश्ता करो उसके बाद खा ले, देख लेना हैं। और देख सकते हैं उधर भाई छोटा बाबू ये भी सोया हुआ है इधर, इधर ये भी बैठा हुआ है, रोशन है बाबू है, और ये रहा एक बाबू है, ये भी दोस्त है मेरा, नया नया दोस्त बना अभी बाबू ने। देखो नाश्ता कर लिया है, पानी पी रहा है, देखो भाई कितना बड़ा बर्तन है, देखो पानी पिला रहे हैं इसको एकदम, देखो सूरज के नाम है, पी लिया इसने पानी, देखो क्या बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है ये, देखो इंग्लिश बोल रहा है, हाथ धो दो, देखो बोल रहा है हाथ धो दो, क्या बोल रहा है, हाथ धो दो, देखो इंग्लिश बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा सा, मम्मी को बोलो, देख सकते हैं ये भाभी सब बोल ले मेरा। तो भाई इसने नाश्ता कर लिया, नाश्ता छोड़ दिया ये। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, देखो कटहल का पेड़ पे आए हैं हम लोग, और अभी हम लोग कटहल तोड़ रहे हैं एकदम फुल देसी एकदम भाई, कटहल है देखो, देखो कैसे कटहल होता है, यही है कटहल का पेड़, और अब हम इसके ऊपर से तोड़ रहे हैं कटहल, सब्जी वब्जी बनेगा, एकदम मस्त है भाई कटहल। देखो भाई कटहल का देखो पत्ता कैसा होता है, ये इधर ही है, ये जो चढ़ा हुआ है इसके घर के पीछे ही है भाई कटहल का पेड़, और बहुत सारा लदा हुआ है कटहल, देखो एक टूट गया कटहल, पकड़ो तो बाबू पकड़ो, देसी कटहल लो। तू कितना बड़ा ले जाबे रे बाबू, एथी को कितना उतना बड़ा कहाँ आई तो भाई तोड़ लिया हमने देसी कटहल, बोला हाँ, तो मेरे भाई देसी कटहल टूट गया एकदम, अब घर पे चलते हैं, सब्जी बनेगा इसका, ये भाई देख सकते हैं आप
अभी मैं मेरे घर से थोड़ा सा दूर पे आया हुआ हूँ। देखो यहाँ पे भाई हंस पाला हुआ है, एकदम वाइट वाइट, एकदम बढ़िया हंस है एकदम भाई। और इनका ये देखो यही मकान है, और ये देख ले ये तालाब है, इसके अंदर से रहता है ये हंस। देख सकते भाई हंस एकदम भाई, क्या खूबसूरत लगता है एकदम भाई, क्या गजब है। इनके लिए अलग से तालाब बना हुआ है, देखो पकड़ो तो बाबू, पकड़ो एगो के, देखो पकड़ लिया है। अरे अरे ना बाबू यार मार दे भाई। हाँ तो भाई मैं भी मेरे नानी के घर आया था, यहाँ पे मेरे दोस्त के जो मामा का घर है वहाँ पे इतना सारा हंस पाला हुआ है, देख सकते हैं आप भाई इतना मस्त हंस। देखो ये हंस को पकड़ लिया है, मस्त है एकदम हंस है, मर दी ना। मैं भी दिन में आया था मेरे दोस्त के साथ, हमारे घर से ज़्यादा नहीं 5 किलोमीटर दूरी पे आए थे, खाना पीना खा के ऐसे बैठे हुए थे तो फोन आ गया क्योंकि भाई इनके रिलेशन में क्या है, मछली वछली थोड़ा सा मछली जो गांव का देती है वो पकड़वा रहे हैं, यानी कि बेचेंगे और प्लस मछली क्या है आए हैं हम लोग यही मछली ले रहे हैं, जैसी मछली एकदम गाँव का दूध खाता हूँ मैं आपको कैसे देसी मछली पकड़ा जाता है। तो भाई देख सकते हैं भाई अभी लू बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बहुत ही तेज लू है, पत्ता देखो कैसे उड़ रहा है एकदम। और उधर देख सकते हैं आप एकदम मछली मारा जा रहा है भाई, और बहुत बड़े बड़े मछलियाँ हैं उसके अंदर जाल द्वारा पकड़ा जा रहा है, और हम यही लेके जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हंस भी पाला हुआ है इन्होंने, और बतख भी है, और देसी जो मुर्गा होता है वो भी है, और भाई एकदम मस्त है। और देख रहे हैं आप वो वाइट वाला हंस है, बाकी ये बतख है, और देसी मुर्गा इधर है साइड में है। इधर देखो ये जंगल ये थोड़ा सा, और रोड ये सामने है, बस ये रोड सामने जाता है, बस वो रोड है वहीं से हम लोग आए थे। तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा बिल्कुल देसी गांव का, मछली बतख और मुर्गा और बतख ये सब मैं दिखाऊंगा आपको बिल्कुल देसी तरीके का जो हमारे बिहार का है। तो भाई दिखा, तो भाई देख सकते हैं देखो मछली कैसे पकड़ा जाता है। अभी थोड़ा गर्मी है मगर उनको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि पानी में है वो लोग, इसलिए डोज मारे हैं डोज मारे हुए हैं। और ये देखो बतख एकदम कैसे तैर रहा है एकदम तालाब में, बतख है, हंस है वाइट वाला जो देख रहे हैं आप वो हंस है, और उधर उधर देखो कुछ बतख है जो उधर आराम कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको वो बड़े वाले बतख हैं आराम कर रहे हैं वो लोग, अभी ये दिन रात इसी में पड़े रहते हैं तालाब के अंदर, ठंडा ठंडा एकदम रहता है। और मुर्गा है जो उधर है जो कि अभी वो छाया में बैठे हुए हैं, और ये लोग देखो मस्त तैर रहे हैं इसके अंदर, और ये लोग देखो मच्छी पकड़ रहे हैं, बिल्कुल देसी मछली है इसके अंदर, सारी मछलियां हैं बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उनको पकड़ के लाने दो, दिखाता हूँ मैं आपको कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पे, एकदम देसी है भाई एकदम प्योर देसी। देख सकते हैं भाई पकड़ के लिया है एकदम बता दे तू जलिया देसी मछली। तो फाइनली दोस्तों अभी शाम का टाइम हो चुका है एकदम भाई, देख सकते हैं सामने भाई एकदम अंधेरा होने वाला है, एकदम थोड़ा सा और बचा है अंधेरा होने में एकदम, और मैं हूँ अभी अपने घर के पीछे। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।